वेद पर आने के बाद वेद के अंत यानी वेदांत पर आ रहे हैं। अंत के दोनों अर्थ हैं, एक अंत का अर्थ है जहां वेद समाप्त हो गया, एक सीमा है उस सीमा के आगे वेद नहीं जा सकेगा। एक तो वेदांत का ही अर्थ है और एक वेदांत का अर्थ यह है कि वेद का निष्कर्ष यह है, सार ये है, अंत माने कंक्लूजन भी होता है। तो दोनों अर्थ ठीक है। एक जगह जाकर वेद की सीमा आ गई, वेद उससे आगे नहीं जा रहा और एक ऐसी चीज है जो वेद का भी सार है, तो जहां वेद नहीं जा सकता है वो वेदांत है और जो वेद का सार है वो वेदांत है। और जहां वेद नहीं जा सकता है मां हम भी नहीं जा सकते, हम भी माने वहां वाणी नहीं जा सकती, वहां शब्द नहीं जा सकता, वहां मन नहीं जा सकता। वेद वहीं तक जा सकता है जहां तक शब्द है, क्योंकि वेद तो शब्द रूप है, जहां तक प्राण है क्योंकि वेद तो क्रिया रूप है, यज्ञ है, जहां तक मन है क्योंकि वेद तो मंत्र रूप है। तो वेद वहीं तक जा सकेगा जहां तक इस पर तो ये नहीं रखा जा सकेगा, नहीं हम छोटे वाले को रख दे, छोटे को रख दे बने, पर इसकी जरूरत कोई बात नहीं। या आपको यहाँ नीचे रखा हुआ दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं करना, आप परेशान न हो, बैठ बैठ। ये वाणी है अग्नि, ये क्रिया है वायु, ये मन है आदित्य, वाक प्राण मन, यहीं तक वेद जा रहा है। मैंने दो लाइनें खींच दी, इसके आगे वेदांत है। होने को तो यह अथर्ववेद है, लेकिन अथर्ववेद त्रयी विद्या में शामिल नहीं है। त्रयी विद्या माने ऋक यजु साम, ये त्रयी विद्या है। त्रयी विद्या ही वस्तुतः वेद विद्या है, उसके बाद जो अथर्ववेद है वो ब्रह्म वेद है। देखिए पश्चिम में क्या भ्रम फैला और फैलाया उन्होंने कि अथर्ववेद वस्तुतः वेद है ही नहीं, इसमें तो कुछ जादू टोने हैं, जिन जादू टोनों में लोक में क्योंकि प्रचलित थे, आज भी प्रचलित है, इसलिए जो वेद का संकलन करने वाले ऋषि थे उन्होंने सोचा है, देखो वेद तो अपने अग्नि वायु आदित्य ऋक यजु साम तीन ही हैं, लेकिन लोक में जो प्रचलित हैं जादू टोने उनका क्या करें, तो उन्होंने कहा उन सबको अपन अथर्ववेद में शामिल कर देते हैं, एक अलग वेद बना देते। बात खत्म हो गई, अथर्ववेद वेद था ही नहीं। अगर अथर्ववेद वेद होता तो वेद का नाम त्रयी यानी तीन क्यों होता, चार होना चाहिए था। वेद का नाम है त्रयी, त्रयी माने ट्रिनिटी, तीन, तो तीन में तो ढेके जो सामी आए ना, अथर्ववेद आया नहीं। तो दूसरी बात हुई कि अथर्ववेद बाद में जोड़ दिया गया। तीसरी बात, ये जो ऋक यजु साम है तो आर्यों के हैं और ये जो अथर्ववेद है ये आर्य लोग भाषा है,
ये अथर्ववेद भारत के जो आदिवासी थे उनकी मान्यता अथर्ववेद में जोड़ दी गई। ये तीन निराधार बातें पश्चिम के लोगों ने फैलाई। अब अपनी मान्यताओं को देखें, अथर्ववेद का नाम क्या है? ब्रह्मवेद। तो जादू टोनों का नाम ब्रह्मवेद रख दिया था क्या? छोड़े, जब यज्ञ होता है तो ऋग्वेद का काम होता करता है, यजुर्वेद का काम अध्वर्यु करता है और सामवेद का काम उद्गाता करता है। तो ये तीन वेदों के तीन पुरोहित हैं, ये तीनों बोलते हैं, होता, अध्वर्यु और होता, तीनों अपने अपने वेद का काम करते हैं। जब ऋग्वेद से कुछ काम करना हो तो होता हो जाता है, यजुर्वेद से करना हो तो अध्वर्यु आगे आ जाता है, सामवेद से करना हो तो उद्गाता आगे आ जाता है। हम लोगों ने जोधपुर में एक बार श्रोत यज्ञ किया था तो वहां ये मैंने आंखों से भी देखा। दुर्भाग्य ये है कि उस समय स्वामी जी ये साधन हमने नहीं बरता, नहीं तो उसका हम दृश्य ले सकते थे। पुरानी बात है, कम से कम 25 साल पुरानी बात है। अलबत्ता अभिप्राय यह है कि अग्नि, वायु और आदित्य, आप देखें संस्कृत में लिखा है इसलिए जरा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, ये सो अग्नि है ना, ये अग्नि है असल में, या वग्रह बन गया संधि की वजह से। पढ़ रही है तो ये अथर्ववेद कौन सा वेद है? ब्रह्मवेद है। पहली बात, जैसे होता, अध्वर्यु और उद्गाता होते हैं, ऐसे सोम वेद, इसका अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा। ये होता ऋग्वेद के मंत्र बोलता है, अध्वर्यु यजुर्वेद के बोलता है, उद्गाता सामवेद के बोलता है, क्योंकि वेद के मंत्र बोलने के लिए एक खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो एक आदमी तीनों वेदों की ट्रेनिंग ले ले, इतना मुश्किल काम है, तो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। तुम ऋग्वेद को स्पेशलाइज कर लो, तुम यजुर्वेद को कर लो, तुम सामवेद को कर लो, तो वो तीनों वहां रहने चाहिए अलग अलग वेद। हाँ पूछे, सर ये चतुर्वेदी फिर कैसे आया सर? बतला रहा हूं ना, अभी तो बतला रहा हूं, ये तो तीन ही हुए ना। एक वेदी नाम की तो कोई चीज आपने सुनी नहीं, द्विवेदी होते हैं, त्रिवेदी भी होते हैं, सुना है, चतुर्वेदी भी होते हैं। आपने अच्छी बात कर दी, जिसका मतलब चाहे वेद चार है या नहीं है ये पता नहीं, पर चतुर्वेदी शब्द है, जहां ये समझा जा रहा है कि वेद तीन नहीं चार होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या चर्चा कर रहा हूं, ये मैं चर्चा कर रहा हूं पश्चिम ने जो काम किया, उन्होंने कहा वेद तीन ही है, ये अथर्ववेद तो बाद में जोड़ दिया गया है। छोड़े, अथर्ववेद ब्रह्मवेद है, और इस ब्रह्मवेद का काम करने वाला ब्रह्मा कहलाता है, वो तीनों से ऊपर है और तीनों को सुपरवाइज करता है, होता को भी, अध्वर्यु को भी और उद्गाता को भी सुपरवाइज करता है। अगर कहीं वहां मिस्टेक कर दे तो ये ब्रह्मा का काम है बताना कि तुमने यहां गलती कर दी है, और ब्रह्मा का काम है ये बताना कि ये जो तुमने गलती की है इसका ये प्रायश्चित करे, तो तुम पहले यज्ञ आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहले इसका प्रायश्चित कर लो, इसके बाद वेद यज्ञ आगे बढ़ेगा। बीच में रोक देता है, उच्चारण अशुद्ध कर दिया, कोई क्रिया गलत कर दी, आहुति बाई तरफ देनी थी दाई तरफ दे दी, ऐसी कुछ भी गलती कर सकता है, ये ब्रह्मा रोक देगा। ये सुपरवाइजर है जो अथर्ववेद का कहने वाला है। अलग बात, ये तीनों तो
वेद की ऋचाएं बोलते हैं, ये ब्रह्मा बोलता नहीं है, मौन रहता है। तो कहा ये क्या मामला है, पश्चिम वर्ण का मामला क्या है, अथर्ववेद वेद है ही नहीं तो बोलेगा क्या? नहीं, मौन का अर्थ है आत्मा। ये बाकी तीन शरीर से जुड़े हुए हैं, ये स्थूल शरीर से जुड़ा है, ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, ये कारण शरीर से जुड़ा है। अथर्ववेद किसी भी शरीर से नहीं जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। वो मौन रहता है। वेद के ऋषि, वेद उपनिषद का ऋषि, एक शिष्य गया, उसने पूछा आत्मा का स्वरूप बताओ। ऋषि चुप रहा। दोबारा पूछ लिया शिष्य ने, शायद सुना ही नहीं पड़ा होगा सवाल, वो फिर भी चुप रहा। तिबारा जब पूछा तो गुरु बोला, मैं तो आत्मा का स्वरूप तुम्हें बता रहा हूं, तुम नहीं समझ रहे, आत्मा का स्वरूप मौन है, इसलिए मैं चुपू बतलाया नहीं जा सकता। तो अथर्ववेद का ऋषि इसलिए चुप रहता है कि ये आत्मा का ऋषि है, ब्रह्म का ऋषि है। ये चौथा वेद है। तो चारों वेद का चतुर्वेदी होता है। अब अपन यहां जो मंत्र मैंने दो चार पांच लिखे हैं उनको देखें। सब तीनों वेदों के भी मंत्र लिखे ही हैं, पर इस मंत्र इससे आज हमारा संबंध इससे है, ब्रह्म वेद से संबंध है, अथर्ववेद से संबंध है। और इस अथर्ववेद में कौन कौन से मंत्र मैंने लिखे हैं आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मंत्र वेद के हैं कि उपनिषद के हैं। ये तीन वेद के बाद आया इसलिए वेदांत है, ये ब्रह्मा का वेद है इसलिए ब्रह्म वेद है, ये आत्मवेद है इसलिए इसका जो प्रयोग करने वाला है वो मौन रहता है, बोलता नहीं है, उसे जो कुछ करना होता है वाणी से नहीं करता, मन से करता है। ये तीनों अग्नि वेद है, ये सोम वेद है, अपाम सोमम अमृता भूम, ये संसारिक पदार्थों की प्राप्ति का वेद नहीं है, ये अमृतत्व की प्राप्ति का वेद है, मोक्ष की प्राप्ति का वेद है। और जो मंत्र हमने यहां लिखे हैं उनको आपन देखें। सर्वं वेदं ब्रह्मणा है सृष्टम, ब्रह्म ने ही सब कुछ उत्पन्न किया, ये वेदांत है। जन्माद्यस्य यत है, वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, वेद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये बात उपनिषद ने तो कही, कब कही मालूम नहीं, लेकिन अथर्ववेद ने पहले ही कह दी थी, सर्वम वेदम ब्रह्मणा एव सृष्टम। ये तैतृय संहिता है, ये उपनिषद नहीं है, वेद बोल रहा है। ये वेदांत चालू हो गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विद्युत्पत्ते, ये यजुर्वेद है, बाद में ईशु उपनिषद बन गया है। रसेन तृप्तों ने कुतश्चनों ने, ये अथर्ववेद है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, वो तृप्त रहता है। आप देखें वेदांत के वाक्य, वेदांत की थीम अथर्ववेद में किस तरह आई है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वेदांत की जड़ भी वेद में है। ये ख्याल गलत है कि वेदांत वेद के विरुद्ध विद्रोह है। आप कहेंगे हमें तो ये पता ही नहीं, ये आप कहां की भाषा बोल रहे हैं। ये विदेशियों ने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखकर ये सिद्ध कर दिया कि उपनिषद वेद के ऋषि के विरुद्ध विद्रोह था। क्या विद्रोह था? कि वेद के ऋषि यज्ञ करते थे और यज्ञ कर्म था, कर्म तो सांसारिक पदार्थों के लिए किया जाता है, वो तो सांसारिक पदार्थों की इच्छा के लिए यज्ञ कहा करते थे। उपनिषद के ऋषि को ये समझ में आया कि संसार के पदार्थ तुच्छ है, त्याग्य है, इसलिए उसने वेद के ऋषियों के प्रति विद्रोह कर दिया और ये कह दिया है वेद बेकार है, यज्ञ बेकार है। और दूसरी बात मजेदार ये कि ये विद्रोह वेद के ऋषियों के विरुद्ध
क्षत्रियों ने किया। ब्राह्मण तो वेद को रट ही रहे थे, जो क्षत्रिय थे उनके ये ख्याल में आया कि ब्राह्मण गलत काम कर रहे हैं, संसार में फंसा रहे हैं, कभी पैसा मांगते भगवान से, कभी यश मांगते, कभी पुत्र मांगते, कभी चक्रवर्ती सम्राट होना चाहते अश्वमेध यज्ञ करके, ये सब गड़बड़ है, आपन तो इन इच्छाओं में फंसेंगे नहीं, ऐसा समझ के क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये एक बड़ा सिद्धांत बनाया हुआ पश्चिम का है, जिसे हमारे कुछ लोग भारतीय भी क्लास में पढ़ते पढ़ाते रहा करते हैं। ये जो पश्चिम की धारा है वेद को पढ़ने पढ़ाने की, इसका केंद्र पूना है, वहाँ ये धारा विशेष है। शुरू शुरू में पूना के लोग, वो भी ब्राह्मण ही थे, संस्कृत के लोग थे, वो पढ़ने के लिए विदेश चले गए संस्कृत पढ़ने के लिए, और वहाँ से संस्कृत पढ़ के आ गए। पढ़ने के बाद जो उनको पढ़ाया गया वो पूना में वो भी पढ़ाने लगे, वो भी बात सारी की सारी। तो वो के आर्य गौ मांस खाते थे, आर्य लोग बाहर से आए, अथर्ववेद वेद है ही नहीं, यज्ञ के यज्ञ तो कर्मकांड है, ढोंग है, असली तो उपनिषद है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी जो मान्यता थी इसको येन केन प्रकारेण भारत के भी कुछ आचार्यों ने पुष्ट कर दिया, जब उन्होंने प्रस्थान त्रयी में वेद को नहीं जोड़ा। उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, वेद कहां गया? कि वेद तो अपरा विद्या है, लोअर नॉलेज है, ये तो संसार का ज्ञान है। बड़ा गड़बड़ ढाला हुआ। कल हम जब श्री अरविंद पर बोलेंगे और परसों पंडित मधुसूदन ओझा पर बोलेंगे, तो इन दो महापुरुषों ने ये समझाया कि बात गलत है, कि वेद अपरा विद्या है, कि लोअर नॉलेज है, वेद में परा विद्या है अर्थात आत्मविद्या भी है, जैसा कि मैंने आपको ये कुछ पढ़कर सुनाया। रसेन तृप्तो, आपके ध्यान में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये लोग समझेंगे क्योंकि पश्चिम में जो पढ़ाया जाता है उसका भी थोड़ा बहुत इन्हें आभास है। सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा, हमारा स्वामी सोम है, आत्मा, आत्मा का आनंद है, सोम माने आत्मा का आनंद। मैंने आपको पढ़कर सुनाया था वेद का, कि जो ये समझते हैं कि कोई लता पीस कर सोम रस पी लेते हैं, ये तो गलत ख्याल है, सोम रस पीने की चीज है ही नहीं, जो कोई प्याले में रख के नींबू से पी जाए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। फिर अंत में इसी अथर्ववेद ने कह दिया, तमेव विद्वान विभाय मृत्यु, जो उस ब्रह्म को जानता है उसको मृत्यु का डर नहीं रहता, ये अथर्ववेद है, अमृत तत्व की प्राप्ति। ये जो अथर्ववेद के छह मंत्र यहां पर आ गए हैं, ये छह मंत्र अगर बतलाया ना जाए कि अथर्ववेद के हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे उपनिषद के हैं। यहां से वेद के अंत से तीन वेद हुए, लिखिए तो सब तीन वेद का चौथा वेद अथर्ववेद अंत है, ये वेदांत है, यहां से वेदांत चालू हुआ। लेकिन जब वेदांत चालू हुआ तो प्रश्न हुआ कि वेदांत में तो आत्मा का वर्णन है, आत्मा के बारे में कुछ कहना चाहिए, और ऋषि ने कह दिया कि आत्मा तो मौन है, उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो वेदांत ने क्या किया? वेदांत ने यह किया कि उसने जो शब्द से कहा जा सकता है उसे कह दिया, और कहने के बाद यह कह दिया कि यह शब्द से जो कुछ मैंने कह दिया है यह आत्मा नहीं है। आत्मा के कहने का यह ढंग निकाला, आत्मा को तो कह ही नहीं सकते, शब्द से जो कुछ कह दिया वो इसकी दो तालिकाएं, मैं अब वेदांत पर आ रहा हूं। ये दो तालिकाएं आत्मा का वर्णन नहीं कर रही है, ये दो तालिकाएं ब्रह्म का वर्णन नहीं कर रही है, ये उसका वर्णन कर रही है जो ब्रह्म नहीं है, जो आत्मा नहीं है।
क्योंकि जो नहीं है उसी का वर्णन हो सकता है, प्रकृति का ही वर्णन हो सकता है, माया का ही वर्णन हो सकता है, सत्व रजस तमस गुण का ही वर्णन हो सकता है, त्रिगुणातीत का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी चीज का अगर हम वर्णन करेंगे तो हमें दो चीज चाहिए, या तो उसकी आकृति रूप बतला दे या उसका नाम बतला दे। और आत्मा की न तो कोई आकृति है और न कोई उसका नाम है। नाम तो रूप के आधार पर रखा जाता है किसी चीज का, ये इस आकार की इसलिए इसका नाम मेज हो गया है, ये इस आकार की इसलिए इसका नाम कुर्सी हो गया है। अब आत्मा का कोई रूप ही नहीं है तो आत्मा भी नाम भी नहीं। तो आत्मा को जब ब्रह्म को जब कहना होता है आनी दवातम स्वधया तदेकम, सर्वनाम से कहते हैं, संज्ञा नहीं है आत्मा की, प्रोनाउन है सर्वनाम। सर्वनाम माने जो सबका नाम है, तो नाम तो उसका कुछ है ही नहीं, तो उसको हम सर्वनाम से कह देते हैं। अब हम वेदांत में क्या बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा इस दृष्टि से करेंगे कि वेद में न वेदांत में जो कुछ भी बताया गया है बढ़िया ठीक हो गया, बहुत अच्छा कर दिया आपने। अब इससे हमारा संबंध नहीं रहा, वेद से हम वेदांत पर आ गए अथर्ववेद को कहते हुए। ये दो तालिकाएं मैंने बनाई, और ये दो तालिकाएं वेदांत शास्त्र में उस चीज की तालिका है जो प्रकृति है, उस चीज की तालिका है जो हमारा शरीर मन बुद्धि है, उस चीज की तालिका है जो सत्व रजस तमस है। और इस तालिका से यानी सत्व रजस तमस से कहो या पृथ्वी जल अग्नि वायु आदित्य से कहो, पंचभूत से या तीन गुण से हमारा निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए पहले ये तालिका ले लूंगा और फिर दूसरी तालिका लूंगा, और देखेंगे कि जो कुछ भी हमारे पास है जिसे हम देखते हैं जिसे हम बरतते हैं वो सब का सब कैसे कैसे प्रकृति से आया है। प्रकृति के तीन गुण हैं सत्व रजस तमस, और पांच तत्व हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। अब मैं यहां से चल रहा हूं, मेरे कान त्वचा आंख जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय ये कहां से आएंगे, पांच ज्ञानेन्द्रिया कहां से आएंगे, आत्मा में से आएंगे, आत्मा का हिस्सा है ये पांच इंद्रिया, इन पांच तत्वों से आई हैं, और इन पांचों तत्वों में तीनों गुण रहते हैं, इनका जो रस सत्व गुण है उससे ये पांच ज्ञानेन्द्रिया आ गई हैं। फिर से दोहरा दूं क्योंकि बात महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं आंख नाक कान को आत्मा समझूं, आत्मा माने ये समझूं कि मैं आंख नाक कान हूं तो गलत है, आंख नाक कान मैं नहीं हूं। प्रकृति के सत्व गुण से पंचभूतों से पांच ज्ञान इंद्रियां आई हैं, आकाश से श्रोत्र कान, वायु से तत् साइंस ऑफ टच, अग्नि से चक्षु आंख, जल से रसना जिह्वा, पृथ्वी से घ्राण गंध, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां त्रिगुणात्मक प्रकृति में से सत्व गुण से पंच महाभूतों के संपर्क से पैदा हुई है, और इसलिए ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां मैं नहीं हूं, नहीं की भाषा बोल सकेगा, ये वेदांत है। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां वेद का विषय तो है क्योंकि श्रोत्र से शब्द सुना जा सकता है, वो वेद का विषय है, त्वचा से स्पर्श हो सकता है, चक्षु से देखना होता है, रसना से चखना होता है, ध्यान से सुनना होता है। तो इन पांच ज्ञान इंद्रियों से जिन पांच चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ना तो ये ज्ञानेन्द्रियां आत्मा है और ना वो विषय आत्मा है जिनका ज्ञान इन पांच ज्ञानेन्द्रियों से होता है।
रूप रस गंध स्पर्श ये भी ये गए, ये कहां के विषय है? वेद के, वेदांत के नहीं है। कहां के विषय है? प्रकृति के है, आत्मा के नहीं है। अब वेदांत से चालू हो गया पर नेगेटिव नेति नेति से बोले जाएगा, क्योंकि अगर रूप रस गंध स्पर्श का कोई विषय नहीं है आत्मा, तो फिर किसका विषय है? निर्विषय, वो किसी इंद्रिय का विषय है ही नहीं। तो उपनिषद बड़े जोर शोर से घोषणा करेगा बार बार, इंद्रियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म से नहीं ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ये घोषणा उपनिषद में भरी पड़ी है और इतनी जोर जोर से कहते हैं, बार बार कही जाते हैं, क्योंकि हम सब इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वही हमारा ज्ञान है। तो उस ज्ञान में तो आत्मज्ञान तो आया नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो आया नहीं, संसार का ज्ञान आया। संसार का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वेदांत नहीं है, वेद जरूर है। दूसरी तरफ से देखें, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में रजोगुण भी है। आकाश का साथ जब रजोगुण आकाश का हुआ तो उससे वाघ इंद्रिय बोलने की शक्ति आ गई, ये कर्मेंद्रियां। जब वायु मिला, वायु का रजोगुण आया तो हाथ आ गया उठाना धरना चीजों का। अग्नि के रजोगुण से पांव आ गया चलना। जल के रजोगुण से वायु आ गया मलेंद्रिय। पृथ्वी के रजोगुण से उपस्थ आ गया मूत्रेंद्रिय। क्या हुआ? इनसे ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आत्मज्ञान नहीं है। नहीं की भाषा बोलनी पड़ेगी वेदांत। इन कर्मेंद्रियों से जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके द्वारा आत्मा को ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी घोषणा वेदांत ने बार बार कर दी। छोड़े, मन से तो प्राप्त हो जाएगा, चलो कर्मेंद्रियों से नहीं, ज्ञानेंद्रियों से नहीं। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चार अंतःकरण है, अंदर की इंद्रियां बाहर नहीं दिखती हैं। जैसे आंख नाक कान दिखते हैं, हाथ पैर दिखते हैं, ऐसे दिखती नहीं, लेकिन है इनका काम है। ये चारों के चारों अंतःकरण पृथ्वी के सत्व गुण के मिलित रूप से प्राप्त हुए, यानी ये तो एक एक सत्व गुण से एक एक इंद्रिय बनी थी, ये पांचों के सत्व गुण से मिलाकर मन बनाए, पांचों तत्वों के का मिलकर जो सत्व है उससे बुद्धि अहंकार और चित्त बना। इसका काम है मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम है निश्चय, अहंकार का काम है घमंड गर्व, चित्त का काम है स्मरण रखना। ये जो चार अंतःकरण है ये भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते, ब्रह्म को नहीं जान सकते, ये भी संसार को ही जानते हैं, संसार को ही पकड़ते हैं, क्योंकि ये भी सत्वगुण का ही सत्वगुण से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी प्रकृति के ही हिस्से हैं आत्मा। तो ये सारा का सारा जो यहाँ चार्ट बना हुआ है ये सब वेद है, वेदांत नहीं है। आपके वेदांत का क्या हुआ? वेदांत को कह ही नहीं सकते तो कहें कैसे? कहते ही वेद हो जाता है, कह इसलिए नहीं सकते, उसका रूप नाम रूप नहीं है, नाम रूप नहीं है इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं होती। जितनी चीजों के नाम रूप है उन सबकी मृत्यु होती। हम तो अमृत वेदांत में अमृत तत्व की खोज में निकले, ऐसे तत्व की खोज में निकले जो मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता, जिसमें पूर्णता है। यहां से हम चालू हुए थे पूर्ण मध्य पूर्ण उसकी खोज में निकले हैं। वेदांत ने हमें सावधान कर दिया, उस खोज में तुम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस खोज को नहीं कर पाओगे, कर्मेंद्रियों के द्वारा उस खोज को नहीं कर पाओगे, अंतःकरण के द्वारा वो खोज नहीं हो सकेगी। तो एक बात खत्म हो गई। प्रश्न ये है कि फिर आखिर ये सब कुछ बना है, हमें दिख रहा है, ये अगर आत्मा से नहीं बना, ब्रह्म से नहीं बना, तो बना कहां से? तो उसका एक दो चार्ट बने, एक चार्ट ये है एक चार्ट वो है। इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, प्रकृति का वर्णन हो रहा है, आप समझ लेंगे।
वैसे तो देखो समझ लेंगे, लेकिन मतलब ये है मैंने देखा कि मैंने न्याय वैशेषिक पर काम किया, तर्क संघ मेरा है छोटा सा है, सांख्य योग पर किया, सांख्य कारिका पर है, पतंजलि के योग सूत्र पर है, पूर्व मीमांसा पर, वेद विज्ञान पर किया, वेदांत रह गया। सोचा वेदांत पर काम करूंगा तो ये इतने सारे कागज निपटा लिए और अभी इसको वेदांत के काम करने के लिए मुझे 2.5 से 3 वर्ष और चाहिए। मुझे उसको कहना है जो कहा नहीं जा सकता, तो मुश्किल काम है। उसको कहना है जो कहा नहीं जा सकता। वैसे तो दार्शनिक लोग ये कहते हैं कि जब आपने ये कह दिया कि आत्मा को कहा नहीं जा सकता, तो आपने आत्मा को कह तो दिया, ये शब्द ही तो बोले आपकी, आत्मा को कहा नहीं जा सकता ये शब्द ही तो है, तो आप कैसे कह रहे हैं नहीं कहा जा सकता। पर ये तो जगलरी है वर्ड, ये असली बात नहीं है, असली बात ये शब्द से नहीं कहा जा सकता। कैसे कहते हैं अभी चर्चा करेंगे, आज न हो पाई तो कल के लिए उसको थोड़ा ले जाएंगे, कल का भी कुछ छूट गया था उसको भी देखना था आपने। जैसे जैसे समापन निकट आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा भार बढ़ता जा रहा है, वो पिछले भी चीजें सब इकट्ठी होती जा रही है ना सारी की सारी। देखें ये अग्नि वायु आदित्य, ये अग्नि वायु आदित्य ऋक यजु साम, ये अग्नि वायु आदित्य ने हमारे शरीर में और ब्रह्मांड में क्या काम किया है, अग्नि ने हमारा स्थूल शरीर बनाया है, बनाया कि बनाया, अरे जो खाते पीते हैं वो अग्नि में पचकरी तो स्थूल शरीर बन रहा है, अग्नि तो पचा रहा है उसे जठराग्नि। वायु ने हमारा सूक्ष्म शरीर बनाया है, स्वप्न में कौन काम करता है, स्थूल शरीर तो होता नहीं, सूक्ष्म शरीर काम करता है, वो वायु की तरह है, जैसे वायु उड़ जाती है ऐसे सूक्ष्म शरीर में हमारा मन भी उड़ता रहता है, चाहे जहां वो वहां चीज हो या ना हो, स्वप्न में दिखने वाली चीज उस कमरे में नहीं है, फिर भी मन उड़कर कहीं भी चला जाता है वायु की तरह। तो ये वायु से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है और आदित्य से हमारा कारण शरीर बना है। ये जो हमारे 3 शरीर हैं, ये हमारे भी हैं और ब्रह्मांड के भी हैं, व्यष्टि के भी हैं और समष्टि के भी हैं, माइक्रो भी हैं और मैक्रो भी हैं। जब ये व्यष्टि के होते हैं यानी व्यक्ति के होते हैं तो इनका नाम अग्नि के से होने वाले का नाम विश्व है, वायु से होने वाले का तेजस है, आदित्य से होने वाले का प्राज्ञ है, ये माइक्रो है, ये व्यष्टि है। समष्टि में अग्नि से वैश्वानर है, वायु से हिरण्यगर्भ है और आदित्य से ईश्वर है। ईश्वर शब्द बहुत प्रचलित है सब समझ के, ईश्वर भी वेद का विषय है, ईश्वर भी प्रकृति से जुड़ा हुआ चैतन्य है, मायाविच्छिन्न चैतन्य है। ईश्वर की पोजीशन वेदांत में जरा दूसरी है, ईश्वर को अगर हम मायाविच्छिन्न नहीं माने यानी उसको प्रकृति से जुड़ा नहीं माने तो सृष्टि बना ही नहीं सकता, बनाने का काम तो प्रकृति की सहायता से होगा, इसलिए ईश्वर भी आदित्य से जुड़ा हुआ है। ये 3 शरीर हैं, इन 3 शरीरों का पता कहां चलता है, जब हम स्थूल शरीर में होते हैं तो जागृत अवस्था का पता चलता है, हमने जो चर्चा की थी उपनिषद की तो ये सब चर्चा की थी, मैंने कहा वेदांत में इसे व्यवस्थित कर देंगे, उपनिषद भी व्यवस्थित नहीं किया हुआ, मैं भी नहीं कर पाया, मैंने सोचा वेदांत, वेदांत में बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया मैंने। स्थूल शरीर जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था है, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था है। ध्यान में आ गया क्या, सुषुप्ति माने गहरी नींद, गहरी नींद में हम स्वप्न भी नहीं देखते हैं,
गहरी नींद सुषुप्ति में होते हैं। जागृत अवस्था में हमारा अन्नमय कोश मुख्य होता है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में हमारे तीन कोश मुख्य होते हैं, प्राण क्रिया होती रहती है स्वप्न में। स्वप्न में हम डर भी जाते हैं, कभी कभी स्वप्न में चिल्ला भी देते हैं, बाहर वाले को सुनाई पड़ता है चिल्ला कर, अरे क्या हुआ तुझे, अरे स्वप्न में शेर दिखाई दिया था। मन सोचते भी रहते हैं, स्वप्न में काम होता रहता है, विज्ञान निश्चय भी करते रहते हैं। ये तीनों प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, ये तीन कोश सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। कारण शरीर से आनंदमय कोश जुड़ा है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो कोई ना तो अन्नमय कोश का काम होता है, स्थूल शरीर कुछ नहीं करता, ना सूक्ष्म शरीर कुछ करता, सुखना ही नहीं रहा। गहरी नींद है उस वो उसमें जो आनंद है उसे आनंदमय कोश का, ये कोश पांचों कोश तीनों शरीर ये सब के सब वेद का विषय है। जब वेदांत मंगाना पड़ता है तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो तीन नहीं है, चौथा है, तुरीय। तुरीय माने चौथा। देखना व्याकरण में देखना है तुरीय शब्द, तो मुझे ध्यान नहीं तुरीय का अर्थ चौथा कैसे हो गया, जरा डिक्शनरी में देखना, मुझे पता नहीं। और चौथा ये अर्थ है फोर्थ, कुछ होगा कोई तरीका होगा तुरीय से चतुर्थ अर्थ करने का, कोश में मिलेगा, मैं देख नहीं पाया। तीन नहीं है, उसका नाम नहीं लिखा कुछ, क्योंकि नाम ही तीन शरीर नहीं है, नाम नहीं लिखा, डेकेट का अशरीरी, उसका शरीर नहीं है। अग्नि वायु आदित्य नहीं है, उसका एक नाम दे दिया ब्रह्म। विश्व तेजस प्राग्नी उसका नाम दे दिया आत्मा। जो समष्टि के स्तर पर ब्रह्म है, व्यष्टि के स्तर पर वही आत्मा है, इसे इस तरह से समझे। दो घड़ों में पानी भरा हुआ रखा है, वो जो घड़े का आकार है, और मान लो घड़ों का नाम भी रख रखा है, ये नंबर एक घड़ा है, नंबर दो घड़ा है, उसका एक आकार है, कंबू गिरिवादी मन उसका नाम रख रखा है। वो एक घड़े का शरीर दूसरे घड़े के शरीर से भिन्न है, इसका आकार इसका आकार, हो सकता है एक छोटा हो एक बड़ा हो, नाम भी है ये नंबर एक घड़ा है, नंबर दो घड़ा है, नाम रूप अलग है। उस घड़े में जो पानी भरा है उसका क्या तो नाम है, एक ही नाम है दोनों का, पानी, एक ही आकार है दोनों का, आकार ही नहीं, जिस जगह डाल दोगे वहां वैसा बन जाएगा। मुझे और आप में ये घड़े की दीवार है शरीर, पता नहीं उसके घड़े की दीवार कह रहा हूँ मैं, उसे जो मिट्टी खींची जाए उसे घड़े की दीवार कह रहा हूँ, ये शरीर घड़े की दीवार है, मुझ में और आप में ये अलग अलग है, इसका रंग भी अलग है, इसका आकार भी अलग है, नाम भी अलग है, लेकिन इस घड़े की दीवार के अंदर जो ज्ञान का पानी भरा हुआ है उसका कोई आकार भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, वो हम सबका एक ही। हम एकत्व से चालू हुए थे पहले दिन, एकत्व को ला रहे उपसंहार में, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हम सबके अलग अलग हैं। स्थूल शरीर से हम अलग काम करते हैं, आप खाना खा ले तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे भी खाना पड़ेगा। सपने हमारे अलग अलग हैं, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, ये भी सपने, IAS का नाम नहीं ले रहा सर कहीं आप समझे, ये भी सपना है तो सपना ही तो अच्छा नहीं लगता है, कहना कि सपना है तो सपना ही, मैंने आपके
योजना बनाई मन में, एक लक्ष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर बनाई, फिर स्थूल शरीर से उसे क्रियान्वित हो गया। सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, स्वप्न आपका साकार भी हो सकता है, साकार न हो ये भी संभावना है। निर्भर करेगा आपके कारण शरीर में कर्म कौन से भरे पड़े हैं और स्थूल शरीर में कुशलता कितनी है। पर यह सपना है, ये सपने हम सबके अलग अलग है, कारण शरीर हम सबका अलग अलग है, कारण शरीर अलग अलग है। कारण शरीर तो एक जैसा ही है, सपने में तो हम सब एक जैसे होते हैं। वेदांत कहता नहीं एक जैसे नहीं होते, एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उस प्रतीति के पीछे जो संस्कार सबके अलग अलग है वो तो अलग अलग रहते ही है। सोते हुए भी पापात्मा पापात्मा ही होता है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा ही होता है। और ये संभव है कि उसके इस कारण शरीर में जो पाप और पुण्य पड़े हैं इसके कारण ही उसके स्वप्न भी भिन्न होते हों। तो फिर हम और आप में एक क्या है, जो एक है उसका नाम रख दिया अशरीरी, नाम ही नहीं है उसको, शरीर शरीर से तो उसको कह ही नहीं सकते, उसका नाम रख दिया वो अशरीरी है, घड़े में भरा हुआ पानी है। वो पानी सब घड़ों के अंदर घड़े के दीवार के कारण अलग अलग उसका नाम रूप हो गया है। दीवार को हटा दें तो पानी पानी में मिल जाएगा, पानी पानी के अंदर कोई भेद नहीं है। आपके और हमारे शरीर मन बुद्धि को हटा दें तो आत्मा सब में एक है, ये एकत्व का अर्थ है। ये ईश्वर तो फिर भी संसार को पैदा करता है, पालन पोषण करता है, संहार करता है, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता क्योंकि इसमें प्रकृति है ही नहीं। और ये प्राग जीव, तीनों मिलाकर जीव है ये, जीव तो फिर भी कुछ करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता। जब तक जीव किसी भी कर्म को अपना मानता है तब तक वो जीव है, लेकिन जिस समय उसे ये ज्ञान हो जाए कि ये तो प्रकृति के तत्वों से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, उस दिन वो आत्मा है, और जिस दिन वो आत्मा है उस दिन वो ब्रह्म है। छोटे घड़े का पानी और बड़े घड़े का पानी एक है, एक ही है, छोटे बड़े का भेद घड़े में है, पानी में नहीं है। तो अग्नि वायु आदित्य से, अग्नि वायु आदित्य इस वेद में देख रहे हैं कहाँ है, अग्नि वायु आदित्य, अग्नि का एक चार्ट है, वायु का एक चार्ट है, आदित्य का एक चार्ट है, इन तीनों तालिकाओं से भिन्न एक चौथा चार्ट ब्रह्म का चार्ट है, ब्रह्म वेद है, अथर्ववेद है, जिसको हम तुरीय माने चौथा कहते हैं। इन तीनों में जागृत अवस्था में अन्नमय कोश है, स्वप्न अवस्था में प्राणोमय मनोमय विज्ञानमय कोश है, सुषुप्ति में आनंदमय कोश है, चौथे में कोश से मुक्ति हो गई, अब कोश रहा नहीं। कोश माने जिस संदूक के अंदर हीरा बंद था, कोश था, संदूक हटा लिया, हीरा ही रह गया, संदूक रहा ही नहीं, कोश रहा ही नहीं, ये कोश मुक्त है चौथा। ये वेदांत का विषय है, ऊपर के तीनों वेद का विषय है, प्रकृति का विषय है। इस प्रकृति के विषय में क्या चमत्कार किया वो उस तालिका में आप देखते हैं, वो जरा ज्यादा डिटेल्ड तालिका है, यहां मोटे तौर पर बतला दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 5×25 चीजें, 5 से 25 कैसे बन गए वो बता है, बड़ी इंटरेस्टिंग तालिका है। और आप थोड़ा सा मन लगाएंगे, बल्कि मन नहीं दिमाग लगाएंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि तालिका का अर्थ क्या है। जब आकाश में वायु मिलता है तो काम सेक्स पैदा होता है, वायु गति है और आकाश खुली जगह है तो सेक्स के लिए फुर्सत चाहिए, ये आकाश है, समय चाहिए, और उस समय के अंदर फुर्सत के अंदर गति होनी चाहिए, सोते हुए नहीं होगा, डायनेमिज्म चाहिए। आकाश में वायु मिलेगा काम हो जाएगा, आकाश में अग्नि मिलेगी क्रोध हो जाएगा, आकाश में आकाश मिलेगा तो शोक हो जाएगा,
सब जगह वैक्यूम में वैक्यूम है, ये दुख है। आकाश में जल मिलेगा तो मोह हो जाएगा, जल चिपक जाता है, मोह चिपकाता है। आकाश में पृथ्वी मिलेगी तो भय हो जाएगा। ये आकाश ने पांच काम कर दिए, काम क्रोध शोक मोह भय, आकाश ने कर दिए पांच तत्वों की सहायता से कर दिए। ये पांचों के पांचों मैं नहीं हूं, इस बात का ध्यान दे वेदांत में, क्योंकि पृथ्वी ये पंच तत्व भौतिक तत्वों से बने हैं, बाकी खत्म हो गई। मेरे अंदर सेक्स मोह काम पैदा होता है, पर वो आत्मा में नहीं होता, आत्मा निर्मल रहती है। क्रोध पैदा होता है पर वो आत्मा में नहीं होता, वो आकाश में अग्नि के हो जाने से हो जाता है, दोनों ही पंचभूत है। शोक होता है पर मेरे में नहीं रहता, वो आकाश में, आकाश से शोक पैदा होता है। आकाश में जल में मोह होता है मुझे, तत्व को मोह है, कै शोक है, एकत्वम अनुपश्यत है। उसके पास शोक और मोह कैसे आ जाएगा जो जानता है कि एक तत्व से बाकी तत्व के मिलने से शोक और मोह पैदा हुए हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। वेदांत है, शिखर है, एवरेस्ट की चोटी है, इससे ऊंचा कुछ नहीं, इससे ऊंचा कुछ नहीं जो आपको यह बताता है कि आपका कोई दोष आपका नहीं है, प्रकृति का है। आपका कोई 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 इसे सर्वकर्माणि भस्म साथ टूटते, सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, आप लोग कुछ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्रोध मुझे है, बाप रे मुझे ही आता, शोक तो कम से कम मुझे रुत चिल्लाता तो मैं हूं, शोक मुझ में होता ही नहीं है, कैसे समझ में आवे? ये समझ का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और मैंने जब ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है, उसका इतना ही मतलब है कि मैंने ये एक्सेप्ट किया कि इसका मुझे अनुभव नहीं है। जब शोक होता है तो मुझे ये अनुभव नहीं है कि शोक मुझे नहीं हो रहा है, शोक तो आकाश और आकाश के मिलने से पैदा हो रहा। जब मैंने कहा मुझे समझ नहीं है तो इसका ये मतलब है कि मैंने इसको अनुभव नहीं किया, अनुभव नहीं कर पाया, अनुभव करूं इसकी इच्छा है, साधना है। इसीलिए मैंने कहा ना वेदांत पर लिख रहा हूं, तो कुछ निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो लेट दाई विल मैनिफेस्ट, भगवान की इच्छा जो होगा होगा। भाई जब होता मुझे नहीं होता, आकाश में पृथ्वी के मिलने से भक्त छोड़े, वायु को देखा था, वायु में जल मिलता है तो चलने का कर्म हो जाता है, ये सारे के सारे ज्ञान वाले थे मामले, ये कर्म वाले। वायु में अग्नि मिलती है तो वलन माने घूमना, वायु में तेज मिलता है तो धावन हो जाता है भागना, वायु में आकाश मिलता है तो फैलना, वायु में पृथ्वी मिलती है तो संकोच हो जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चार्ट कैसे बनाया, किसने बनाया और कैसे बन गया। बनाया तो मैंने नहीं, मैंने नहीं बनाया, शास्त्र में बना हुआ बोर्ड पर मैंने बनाया है, पर जिसने भी बनाया उसने बड़ा गहरा अनुसंधान किया है, बनाया ये किसी ने, वेद में नहीं है चार्ट, ये वेदांत के किसी आचार्य की खुराफात है, किसने काम कर दिया। मतलब बार बार कह शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में, कहते यार कहने से क्या होता है, समझाओ तुम कैसे नहीं हो, तो समझा दिया। तेज से तेज मिलता है, अग्नि से अग्नि तो भूख हो जाती है, भूख मुझे नहीं लगती, अग्नि को लगती है। अग्नि से वायु मिलता है तो प्यास हो जाती है, अग्नि से पृथ्वी मिलती है तो आलस्य आ जाता है, अग्नि से आकाश मिलता है तो नींद आ जाती है, अग्नि से जल मिलता है तो कांति पैदा होती है। उसका चेहरा बड़ा दमदम, महाराज बहुत बड़ा साधक है, चेहरा बड़ा दमदमा रहा है, अरे आत्मा का चेहरा नहीं दमदमा रहा है, वो अग्नि में जल से मिलने से उसके चेहरे पर कांति आ गई है,
आप प्रभावित होते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कांतियारी अच्छी बात है, लेकिन ये समझ लेना कि जिसका चेहरा दमदमा है वो बहुत बड़ा आत्मज्ञ है, ये आत्मा का लेना देना कुछ नहीं है इस चक्कर से, ये तेज और जल का ही चक्कर है जो कुछ है। जल से जल मिलता है तो वीर्य बन जाता है, जल से पृथ्वी मिलती है तो रक्त बन जाता है, जल से आकाश मिलता है तो लार बन जाती, लार जाते हैं, जल से तेज मिलता है तो मूत्र बन जाता है, जल से वायु मिलती है तो पसीना बन जाता है। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रिसर्च नहीं देखी, इसने 5 से 5 को मिलाकर 25 चीजों से मेरे सारे जितने जितने फिजिकल कंटेंट्स है उन सबको 5 तत्वों में विभाजित करके और अजीब ढंग से कर दिया। पृथ्वी में पृथ्वी मिलती है तो हड्डी बन जाती है, पृथ्वी में जल मिलता है तो मांस बन जाता है, पृथ्वी में अग्नि मिलती है तो नाड़ी बन जाती है, पृथ्वी में वायु मिलती है तो त्वचा बन जाती है, पृथ्वी में आकाश मिलता है तो रोम बन जाता है। और क्योंकि इन 5 के 5 के 5 5 × 5 × 5 से ये 25 हो गए, इसलिए ये 25 के 25 5 तत्वों से बने हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं 5 तत्वों से नहीं बना। ये मैटेरियलिज्म को काट रहा है, भौतिकवाद को काट रहा है। जब तक इन चीजों को मैं समझता हूं तब तक मैं भौतिकवादी हूं, अध्यात्म का नाम मत लेना। कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो अध्यात्मवादी हूं और ये भौतिकवादी छोटे लोग होते हैं, हम सब चारवाक मत के हैं, सब इसको अपना ही समझ रहे हैं। अभी रचती पचती है नहीं, मन में ही जा चुपी होना पड़ता है। प्यार ये हुआ क्या, मेरी तो सारी की सारी संपदा छीन ली वेदांत ने, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, पाप पुण्य भी मेरे नहीं रहे, भावनाएं भी मेरी नहीं रही, क्रियाएं भी मेरी नहीं रही, ज्ञान भी मेरा नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, ज्ञान तो यही छिन गया था उन बुद्धि में, तो मैं तो नंगा हो गया, भिखारी हो गया, कुछ भी तेरा त्यकते न बुद्धि का। इस भाव से कि मेरा कुछ है ही नहीं, ना भोगने वाला मैं हूं, ना जिसको भोगा जा रहा है वो मैं हूं, ये भोग का है, ये बंधन से मुक्ति का उपाय, ये विषय विचार का नहीं है, अनुभव का है। ध्यान करना, विचार कुछ और बात है, अनुभव कुछ और बात है। विचार हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक विचार आया कि भी कश्मीर की जो 370 धारा है इसके ये लाभ है, यह हानियां हैं, मैंने आपको बतला दी, आपने मेरे से समझ लिया, विचार से विचार समझ लिया। आपके कभी कैंसर का दर्द हुआ नहीं और मेरे हो गया, अब इस कैंसर के दर्द को आप कैसे समझेंगे? आप ये तो समझ लेते हैं, हाँ दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, इतना तो ये तो शब्द है कह देंगे, लेकिन वो दर्द का अनुभव मैं शेयर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरे को, जब तक कि दूसरे को भी दर्द हो न जाए। उसके पैर ना फटी बीवाई सुख दुख शेयर नहीं होते, अनुभव शेयर नहीं होता है, विचार शेयर हो जाता है। और हमारी यूनिवर्सिटी अनुभव नहीं बतला रही है, विचार बतला रही है, इसलिए शेयर होते रहते हैं एक दूसरे से। लोग ये शिकायत करते हैं कि राजनेताओं के पुत्री राजनीति में आ रहे, ये तो वंशवाद है। वंशवाद स्वाभाविक है, जिस घर में राजनीति की चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं, राजनीति का के दांव पेच खेले जा रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं राजनीति, उसमें बच्चे को वो अनुभव हो जाते हैं बैठे बैठे, तो सहज ही वो राजनीति में निपुण हो जाता है। लेकिन राजनीति में पीएचडी करने से म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन
लड़ेगा तो हार जाएगा। वो विचार है, वो अनुभव नहीं है। जीतने के लिए अनुभव चाहिए, विचार नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम इतिहास में, भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता भारती के इतिहास में आपन ढूंढ रहे तो कोई ऐसा मंत्री छोटा या बड़ा था क्या जिसने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रखी हो? तो पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी कहाँ जा रहे हैं बेचारे? ये तो कुछ बन ही नहीं पाए, इसलिए नहीं बन पाए, इनके पास विचार है, अनुभव नहीं। ये एनालाइज का विचार है, विचार है, विचार ट्रांसफर होते रहते। मुझे जरूरत नहीं कि मैं कुछ करूं। आपने एक बहुत मोटी किताब लिख दी, मैं चुरा लेता हूं उसमें से विचारों को और भाषण देता रहता हूं। अनुभव अलग बात है, वेदांत अनुभव का विषय है, विचार का विषय नहीं है। ये पलटो भैया, कौन सा पलटा जाएगा? कल वाला ये है, ये है ना, इस इसको पलटो। हाँ, इसको सीधा रखना पड़ेगा। कल साहब ये ऐसे लेंगे, हाँ क्षमा करें, आपसे ऐसे काम करवा रहा हूँ, करने नहीं चाहिए। क्या बात? अनुभव का तरीका योग में बताया है। अब योग अनुभव के लिए जरूरत है सबसे पहले मन की एकाग्रता की, और मन की एकाग्रता के ये चार उपाय बताए, लेकिन आज तो इसको अपन प्रैक्टिकल कर नहीं सकेंगे, पांच मिनट बचे नहीं कर सकेंगे। 9 बजे जाना होता है, कल करेंगे। इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अनुभव करने का तरीका बताया जा रहा है योग में। चित्त अगर फैला हुआ है चारों तरफ तो एकाग्र नहीं हो पाएगा, और एकाग्र नहीं हो पाएगा तो अनुभव नहीं हो पाएगा। पहचानी अनुभव की यह है कि जब किसी चीज का अनुभव होता है तो चित्त एकाग्र हो जाता है, पहचानी यही है। हाँ, अनुभव की पहचानी, मुझे अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। चित्त मेरा अगर एकाग्र हो गया है तो अनुभव हो गया है, और अगर एकाग्र नहीं हो रहा है और मैं बोल रहा हूं तो टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, अनुभव कुछ नहीं हो रहा। उसके चित्त की एकाग्रता चाहिए, इसके उपाय बतला रहे। इस एकाग्रता के 7 प्रकार है। एक प्रकार है स्थूलभूत। स्थूलभूत कौन से भाई? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इन स्थूल भूतों को अपन देखेंगे, और साथ में जब पृथ्वी पर अपना चित्त एकाग्र करेंगे तो पृथ्वी शब्द भी रहेगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर ही अपने चित्त को एकाग्र करेंगे पर पृथ्वी शब्द नहीं रहेगा तो स्थूल भूत के 2 प्रकार हो गए, शब्द सहित, शब्द नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति का चेहरा ध्यान में आ जाता है, नाम नहीं आता, तो शब्द रहित अनुभव हो रहा है। अरे ध्यान में तो आ रहा है, दिमाग में तो आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा, वो शब्द रहित अनुभव है। शब्द सहित भी होता है, शब्द रहित भी होता है। तो चित्त को एकाग्र शब्द सहित पर भी कर सकते हैं, शब्द रहित पर उसका नाम है, शब्द सहित सवितर्क है, शब्द रहित है तो निर्वितर्क है। अब आ गए अपन सूक्ष्म भूत पर। आपने देखा था ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सूक्ष्म भूतों से बनता है। सूक्ष्म भूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अपनी प्योर फॉर्म में, एक दूसरे से मिले नहीं है, वो सूक्ष्म में मिल गए हैं, वो स्थूल में। वो जो सूक्ष्म है उनका देश, काल, कारण, कार्य, संबंध इत्यादि के साथ विचार सविचार है। देश, काल, कारण, कार्य रहित विचार निर्विचार है। कल थोड़ा सा इसको और कहेंगे, लेकिन एक बार पारायण कर देता हूं। इंद्रियों पर चित्त को एकाग्र कर लेना, इंद्रिय आंख नहीं है, ये तो इंद्रिय गोलक है, इसके अंदर देखने की जो शक्ति होती है उस पर चित्त एकाग्र किया जा सकता है, इसको आनंदानुगत समापत्ति कहते हैं। अपने जो मैं सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, मेरी समझ में आ गया, ये कौन कह रहा है समझ में आ गया, ये उस पर चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, वो जाता है, वो अस्मितानुगत है। और 6 के 6 एकाग्रता के साधन है, लेकिन एकाग्रता के भेद है। लेकिन ये पुरुष जो आत्मा है, इस ये वो है जिसमें स्वयं ही स्वयं का अनुभव करता है। ये बाकी सब तो इंद्रिय मन बुद्धि से अनुभव में आ रहे हैं, बाकी 6
इन्हें संप्रज्ञात कहते हैं। ये कोई इसमें साधन नहीं है, चेतना ही चेतना में स्थित हो गई है, यह संप्रज्ञात है। ये सात प्रकार है, सातों का प्रयोग हम कल नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अनुभव ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। विचार ट्रांसफर के मैं समझा तो दूं भाई, वो तो विचार है, अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव थोड़ा बहुत इनका करेंगे, करेंगे जितना हो पाएगा, इसका भी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन इसका कहां तक चल पाएंगे कल पता चलेगा। जाने को तो यहां तक जाना चाहिए संप्रज्ञात तक, लेकिन हम लोग कितनी दूर जा पाएंगे ये हमारी सामर्थ्य पर है, और यहां जा पाएंगे तब तो सवाल ही कुछ नहीं है। कोई अपने मित्र यहाँ आना बंद कर देते हैं, तुम उनसे कहा करता हूं तुम्हें ज्ञान हो गया कि आना बंद कर दिया, वो असंप्रज्ञात समाधि में तो चला गया, अब इसको जरूरत ही नहीं है इस झगड़े की, इस पचड़े की, क्योंकि हम तो ये समझा रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूं, इसको समझ के क्या लड्डू लेगा, वो तो जान ही गया कि मैं क्या हूं, तुम किस लिए आएगा यहां। हम क्यों समझा रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूं, इसलिए कि मैं क्या हूं ये समझाया जा नहीं सकता। और समझने की प्रक्रिया ये है, यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का वर्णन कल अपन करने के बाद मैं ऋषि अरविंद पर आएंगे, और परसों कृष्ण का जन्म भी है और मधुसूदन ऊर्जा का भी जन्म है। उनका दिन में 12 बजे हुआ था, श्री कृष्ण का रात को 12 बजे हुआ, पर अष्टमी कृष्ण अष्टमी दोनों की एक ही थी, तो ये बढ़िया बात है कि आएंगे। कल की यात्रा का जो चर्चा मैंने किया, सप्त सिंधु प्रदेश से यानी वेदों की ऋचा से मिथिला यानी याज्ञवल्क्य तक आए, और आज हम मिथिला से केरल पहुंच गए हैं शंकराचार्य के जन्म कालड़ी। यात्रा देखो कहां से कहां जाए, वेद से उपनिषद और उपनिषद से वेदांत, और वो एन कालड़ी नाम है, कालड़ी छोटा सा गांव है, कालड़ी है, वहां तक हम पहुंच गए। ये सारा का सारा जो प्रपंच है ये भगवत पाद शंकराचार्य की कृपा से हमें प्राप्त। वो आदमी शंकर कहीं छोटे से गांव में पैदा हुआ, कहां कहां भटका, कुछ उसको ज्ञान मिला, अपने शिष्यों को दे दिया, हम तक आ गए। ये ज्ञान की यात्रा, संस्कृति की यात्रा भूगोल में भी चल रही है और इतिहास में भी। मिथिला से उपनिषद से शंकर तक आते आते 4000 वर्ष कम से कम लग गए उपनिषद को वेदांत में कन्वर्ट करते हुए, क्योंकि उपनिषद तो उस तरह का ग्रंथ है नहीं। अब शंकराचार्य जब उस पर भाष्य लिख रहे तब वो वेदांत बन पा रहा है, और उस भाष्य में ये सब बातें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो मैंने चार्ट बनाया है वेदांत के समझने के लिए, ये चार्ट पढ़ते तो ये विचार तंद्रोदय में है, ये चार्ट जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं वो जब वेदांत पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चार्ट पढ़ाते हैं, वो यहां से चालू करते हैं, ये समझ में आने वाली बात है। हाँ, वो यहां से नहीं चालू करते, ये जरा मुश्किल मामला है, यहां से चालू। मैंने देखा जोधपुर में पूर्णानंद था ना, हाँ, तो शुद्ध जाति नहीं था, उसके गुरु परंपरा, वो लोग यहां से पढ़ाना चालू करते हैं। मैं ये नहीं हूं, मैं पांच भूतों के साथ इंटरमिक्सचर होने से 25 चीजें बन गया हूं। 9 बज गए, धन्यवाद।